आपका क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स फाइंड गेन परसेंट, या सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल, सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। तीनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे सीपी और एसपी दे रखा है, मतलब 4 का सीपी 5 के एसपी के इक्वल है, ऐसे नंबर्स दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप ले लोगे लेट द एसपी ऑफ वन आर्टिकल बी रुपी वन। ओके, रुपी वन आ गया, एसपी एक आर्टिकल। अब देखो उसमें क्या सेलिंग प्राइस 6, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, रुपीज 6। अब वो दे रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब ये इक्वेशन लिख लेना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स, मतलब आर्टिकल्स, मतलब मैं कोई भी इनमें ले रही हूँ, 8 बुक्स का क्या होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स, ये आपको केस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सीपी जो है वो 8 बुक्स का क्या आ जाएगा, रुपीज 6, और एसपी ऑफ 8 बुक्स, क्योंकि क्वांटिटी हमें सेम करनी है, उसका रुपीज 8 आ गया। 6 रुपये में खरीदी, 8 रुपये में बेची, यानी गेन हुआ, कितने का गेन हुआ, 2 रुपये का गेन हुआ, और गेन परसेंट आप कैसे निकालेंगे, 2 upon CP multiply 100। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे ऐसे ही होंगे, तीनों ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे, बस आपको क्या एज्यूम करना है, सेलिंग प्राइस जो एक आर्टिकल का है वो 1 लेना है, फिर उसे जितना भी कॉस्ट प्राइस का दिया उसके सेलिंग प्राइस के टर्म्स में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और उतने का सेलिंग प्राइस तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है। अ वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, यील्ड 870 मोर, मतलब मैंने प्लस दे दिया, व्हेन इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। अब आपको बताना है कॉस्ट प्राइस वॉच का कितना है। देखिए आप कॉस्ट प्राइस वॉच का एक्स ले लीजिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस एक्स और प्रॉफिट एक्स लेने से वॉच का सेलिंग प्राइस निकल आएगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें आप सीपी लगा देंगे एक्स, प्रॉफिट ये हो गया आपका 106, 100 प्लस ये अपॉन 100, तो ये आ गया 106 upon 100, चाहो तो लोएस्ट टर्म में ले जाओ। ऐसे ही सेम एसपी आपका क्या होगा, इस केस में आप एसपी निकालोगे। अब है लॉस, लॉस में यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स 100 minus 6 इज 94, कैलकुलेशन चेक कर लेना, यहाँ पे एसपी आ गया 100, 94 upon 100 x, ये देखिए ये दो आपके सेलिंग प्राइस निकल आए। लेकिन वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 6 वॉच जब आपने बेची 6% पे, गील्ड 870 मोर, आपको 870 रुपये ज़्यादा मिले, यानी ये वाले प्रॉफिट वाले पैसे ज़्यादा थे, लॉस वाले पैसे हमारे पास सेलिंग प्राइस कम आया, दोनों का डिफरेंस आया 870 रुपये, हमें इसमें 870 रुपये ज़्यादा मिले। नेक्स्ट मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट पे है। देखो अगर आपके कुछ पैसे हैं आपने उनको दिया 2 साल के लिए, तो वो इतने पैसे बन गए अमाउंट 2 साल बाद, लेकिन अगर उसी पैसे को फाइंड द सम एंड रेट, अब वही पैसा अगर आप 5 साल के लिए देते हो तो आपका अमाउंट आया 4160। चलिए अब इसमें आपका प्रिंसिपल हम ले लेते हैं x रुपीस और रेट ले लेते हैं r परसेंट पर एनम, अमाउंट होता है P+SI। ओके, ये हमें दिया है पहले वाले केस का, तो x पहले वाले केस में है P × R × T/100 इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ से भी मैं इसको ऐसे ही इक्वेशन बना रही हूँ। नेक्स्ट वाले से हमारी इक्वेशन बनेगी X+P × R × T/100 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आ गई फिर X+5XR/100 इज इक्वल टू 4160। ये मेरी एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देती हूँ, इसमें से X माइनस X 0 हो गया,
यहाँ देखो एक्स आर अपॉन हंड्रेड, एक्स आर अपॉन हंड्रेड, ये चीज़ सेम है, तो 5 माइनस 2 करूँगी तो कितना आएगा, 3 अपॉन हंड्रेड एक्स आर इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दिया, 4160 3224 इसमें से माइनस किया, इसको सॉल्व करके अभी यही आ रहा है। फिर इन दो इक्वेशन पे हम दोबारा से जाते हैं, इन दो इक्वेशन में से हम x कॉमन ले लेते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में से भी जब हमने x कॉमन ले लिया, क्योंकि इससे अभी जो हमारे पास है ये तीन इक्वेशन है, अब इनसे हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे तो एक्स आर दो वेरिएबल आ रहे हैं, इक्वेशन एक है, सॉल्व नहीं होगा, मैं इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ। देखो एक्स से एक्स कट गया, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन आर में, और 3224 इसको आप वहाँ ले जाएंगे। अब यहाँ पे इसको आप लोएस्ट टर्म में ले जाओ और यहाँ पे भी ये कटेगा, इनको भी काट दो, फिर जो आएगा सिंपल मल्टीप्लाई करके आर एक वेरिएबल, आर का वेरिएबल एक तरफ, नंबर दूसरी तरफ, और आप सॉल्व कर लो। ये देखो 4160 ये आ गया 1/50 मल्टीप्लाई 4160 इंटू आर, इसका एक टर्म ले जाना, ये आ गया 3224, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1/20 मल्टीप्लाई 3224 मल्टीप्लाई आर, इसको एक वैल्यू आ जाएगी, ये आर इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, सॉल्व कर लेना, आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो एक्स की आ जाएगी।